हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट द रेस्पिरेशन टर्म, हाउ द एनिमल्स प्लांट्स आर रेस्पायर्ड टू गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाउ दे कैन रेस्पायर। सो लेट्स बिगिन द पार्ट। द प्रोसेस respiration, the process by which a living being utilize the food to get the energy is called respiration. वो process जिससे कोई भी living beings है food को energy में convert करते हैं। After eating food we know that it can convert into glucose and after that the glucose reach into the every cellular part in the cytoplasm. Then the glucose comes into cytoplasm, then it can break down into pyruvate and these pyruvate comes into mitochondria and convert into energy currency ATP, adenosine triphosphate. This concept we detail studied in detail. Respiration is an oxidation reaction in which the carbohydrate or glucose is oxidized to produce energy. उसका oxidation हो जाता है, वो क्या produce करता है? Energy produce करता है. Mitochondria is a site of respiration and the energy released in stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. Mitochondria is a site of respiration and the energy released is stored in, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसे स्टोर होगी? इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राईफोस्फेट, एटीपी की फॉर्म में। इट इज एनर्जी करेंसी। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, दैट मींस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। दिस स्टेप इज हैपन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। देखिए क्या हुआ, जो हमारा ग्लूकोज बना था, हमने जो विलेज थी पहले डाइजेशन में हमने पढ़ा कि विलेज उसे क्या कर रही है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में एसिमिलेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं। जब एसिमिलेशन प्रोसेस होगी तो सेल के पार्ट में ब्लड के अंदर मिक्स होकर के एवरी पार्ट ऑफ सेल में डिफ्यूज होकर ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और सेल के साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेक डाउन होगा, किसमें? ग्लूकोज का होगा पाइरूवेट के अंदर। और वाइल पाइरूविक एसिड इज कम्पोज ऑफ 3 पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड में टूट जाएगा। पाइरूविक एसिड फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पाइरूविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर जो पाइरूविक एसिड जो बना वो कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन में चला जाएगा और इसका फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एनर्जी करेंसी में रिलीज हो जाएगी। इस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, वाटर को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं यूरिया की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं बाहर रेस्पिरेशन में। एंड कन्वर्ट द एनर्जी इन टू कार्बन डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट एज द आइदर अल्कोहल, वाटर और लैक्टिक एसिड। ये डिपेंड करता है किस टाइप का रेस्पिरेशन है। अल्कोहल एनोरोबिक में बनेगा, वाटर बनेगा एरोबिक के अंदर और लैक्टिक एसिड बनेगा आपका एनोरोबिक के अंदर। ये सारों को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करने वाले। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व गैसेस एक्सचेंज, इन टेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस। गैसेस एक्सचेंज जो अपर सेक्शन में होता है, थ्रोकिक कैविटी में होता है, थ्रोसिक कैविटी में जो हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। और इसमें एलोविल्स के अंदर होता है। देखिए कैसे होता है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर स्मॉल सैक्स लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एलोविल्स। जो हवा आती है वो एलोविलर सैक्स में जा करके डिफ्यूज होती है। कहाँ होती है? ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है और हमारी जो RBCs हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा लेती है और उसे ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू एवरी पार्ट ऑफ सेल तक लेके जाती है, जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इन टू ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इन साइड द सेल, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके दो पार्ट हैं रेस्पिरेशन के, सेलुलर रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग प्रोसेस। तो हम दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच नीड द ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पाइरूविक एसिड इज कन्वर्ट इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। जो पाइरूविक एसिड हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें पहले ग्लूकोज से क्या बनेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में बीच में हमारा बनेगा पाइरूवेट, पाइरूवेट बनेगा। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी बनेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दिस रेस्पिरेशन हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पाइरूविक एसिड इज आइदर कन्वर्ट इन टू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ये डिपेंड करता है कि इथाइल अल्कोहल में कब होगा और लैक्टिक में कब होगा। देखिए जब इसका इथेनॉल बनता है या इथाइल अल्कोहल बनता है तब तो ये बनता है हमारा ईस्ट की प्रेजेंस में, जब हमें अल्कोहल बनाना, शराब बनानी है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तब तो ये बनेगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे एथलीट्स रन करते हैं और अचानक से कमी हो जाती है, तब हमारा बनता है लैक्टिक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, CH3CHOCOH, ये हमारा लैक्टिक एसिड बन जाता है।
ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन मसल सेल्स, कुछ माइक्रोब्स में बनता है और मसल सेल्स में बनता है। लैक्टिक एसिड से आपका लैक्टोबेसिलस बनाते हैं। द इक्वेशंस व्हिच अबाउट द रिएक्शन इज रिटन एज फॉलोस, ये हमारी इक्वेशंस हैं। देखिए क्या होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी चार्ट। फर्स्ट इज ग्लूकोज, हुआ क्या, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में घुस गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, फिर पाइरूवेट में टूट गया और प्लस में एनर्जी निकली, ठीक है। पाइरूवेट में जब ये आ गया तो अब देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बात करते हैं पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट ने इस पर अटैक किया और इसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की एकदम कमी थी तब लैक्टिक एसिड में एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया, और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात थी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली प्रोसेस होगी। ये देखिए ये मसल सेल्स के अंदर होगी, ये ईस्ट के अंदर होगी, और ये हमारी बॉडी के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली प्रोसेस है। रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। एनएरोबिक कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड्स। मोर अमाउंट एनर्जी इज रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ग्लूकोज पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, ग्लूकोज पाइरूवेट इथेनॉल एनर्जी, इसके दो टाइप होंगे। पेन क्रैम्प्स, पेन क्रैम्प्स इन लेग मसल्स वाइल रनिंग, हमें क्रैम्प्स क्यों फील होता है जब रनिंग करते हैं। व्हेन द समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस द थ्रोबिंग पेन इन द लेग्स मसल्स, दिस हैपन्स बिकॉज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स ड्यूरिंग द रनिंग, द एनर्जी डिमांड फॉर द मसल सेल्स इज इंक्रीजेस, दिस कंपनसेटेड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। तो हमें अचानक से मसल्स में खिंचाव महसूस होता है। द डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड्स काज द पेन इन द लेग मसल्स एंड द पेन सब्सिडाइड्स द आफ्टर टेकिंग द रेस्ट ऑफ सम टाइम, तो पेन दूर हो जाता है कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद में। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन द ऑर्गेनिज्म नीड द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम एनर्जी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज द मेथड टू इनटेक द ऑक्सीजन एंड द एक्सप्लोजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट मेथड से वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। डिफ्यूजन इज द मेथड विच यूटिलाइज द यूनिसेल्यूलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पज, फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉडी के साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करते हैं, इनका डायरेक्ट होता है साइटोप्लाज्म से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। इन द प्लांट्स डिफ्यूजन इज यूटिलाइज बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्लांट एक्सचेंज द गैसेज थ्रू स्ट्रोमेटा इन लीव्स, रूट्स इन रूट हेयर्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, जो रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं वहाँ से वो डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं, और स्ट्रोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं लीव्स के अंदर, और लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं स्टेम्स के अंदर। इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंजिंग, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा होता है लाइक ह्यूमंस में। फर्स्ट आता है फिशेस में, देखिए गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स फॉर फिशेस, फिशेस इनटेक द ऑक्सीजन विद द डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर थ्रू द गिल्स, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में जो है उसको गिल्स के थ्रू क्या करती है, रेस्पायर करती है। सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर, अगर ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाती है तो उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाती है। इंसेक्ट्स हैव द सिस्टम ऑफ द स्प्रेकल्स एंड द ट्रेकियास विच इज़ यूज फॉर द टेकिंग द ऑक्सीजन, उनमें ट्रेकिया लगी होती है जैसे कॉकरोचेज हैं, या स्प्रिकल्स लगे होते हैं जिससे वो रिस्पायर करते हैं। ट्रेशियल ऑर्गेनिज्म हैव द डेवलपमेंट लंग्स फॉर एक्सचेंज गैसेज, जो ट्रेशियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं उनके पास लंग्स होते हैं फॉर गैसेज एक्सचेंज। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द ट्रेशियल एनवायरमेंट सो द ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है इसलिए ब्रीदिंग रेट क्या होती है, स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू फिशेज। ट्रेशियल ऑर्गेनिज्म यूज द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ द अडल्ट ह्यूमन मैन एट द रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 times per minute एंड वाइल हैवी एक्सरसाइज 20 to 25 per minute। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द हेल्दी अडल्ट पर्सन इज 12 to 18 gram per deciliter ऑफ ब्लड। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब उसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, दो लंग्स लगे होते हैं। Then they are attached to a system of the tubes which are open outside through the nostrils. तो इसमें देखिए डायग्राम में, this is known as nasal passage. Nasal passage से एयर जाती है अंदर,
ठीक है, ट्रेकिया होती है विंड पाइप, इसके थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स के एक एक पार्ट में चली जाती है। पहले वो ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है, लंग्स लंग्स किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाइज में। इयरिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो से क्लैस्प होने से बचाते हैं। ब्रोंकाई ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं एलो विल्स में। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एलो विल्स, जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको एक एक करके स्टडी करते हैं। नोस्ट्रिल्स, देयर आर द टू नोस्ट्रिल्स विच कन्वर्ट जिदास फ्रॉम द नोजल पैसेज, नोजल पैसेज में खुलता है जो। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स इज लैंड बाय द हेयर एंड द रिमेन्स वेट ड्यू टू द म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। वो क्या करते हैं, नोस्ट्रिल में बाल लगे होते हैं और वो वेट रहती है, जिससे हवा एक तो गर्म हो जाती है, दूसरी बात जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वहीं फिल्टर हो जाते हैं और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, जो चिपचिपा मटीरियल निकलता है। द म्यूकस एंड देयर हेल्प इन द फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड हेयर। फर्दर द एयर इज वार्म्ड अप एंड द एंट्री इन टू द नोजल पैसेज, और हवा गर्म हो जाती है, नोजल पैसेज में एंटर करती है। देन आता फाइनिक्स, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यूस आफ्टर द नोजल पैसेज, नोजल पैसेज पर कंटिन्यू होता है जहाँ से हवा पास होती है। वेन आता लाइनेक्स, दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फाइनेक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, फिर यहाँ से हवा पास होती है। देन आता ट्रकिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, दिस इज कम्पोज ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड कार्टिलेजीनियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलेप्स ऑफ द ट्रेकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हवा नहीं होती है, अपन सांस नहीं ले रहे, तो उसको पिचकने से बचाते हैं हमारे कार्टिलेजेस। ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ द ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रकिया एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, हर एक लंग्स में डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाइज और ब्रोंकियोल्स। अ ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस, देन सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, दैट्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। एलोवील्स और एलोविली, दीज आर द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स। द एलोवियोल्स कंपोज ऑफ द वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड द प्लेस द वुड ब्लड कैपिलरीज, उसमें ब्लड कैपिलरीज ओपन होती है। दिस एलोवील्स वेयर द ऑक्सीजन मिक्सिस विद द ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एलोवील्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। एलोवील्स प्रोवाइड द 80 meter स्क्वेयर सर्फेस एरिया। नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। नोस्ट्रिल्स, फिर जाता नोजल पैसेज, फिर नोजल कैविटी, फायरेंक्स में, लायरेंक्स में, ट्रकिया में, ब्रोंकाई में, लंग्स में, फिर ब्रोंकियोस और लास्ट में एलोवील्स, एलोविल से ब्लड कैपिलरीज में। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये हम 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टलिक्स मसल्स, जो हमारी इंटरकोस्टेलिक्स मसल्स होती हैं उनसे। द डायफ्राम ऑफ द मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थ्रोकिक चैम्बर फ्रॉम द अबोर्डमिनल कैविटी। डायफ्राम का काम क्या है, हमारी जो पेट वाली कैविटी है अबोर्डमिनल कैविटी, उससे थ्रोकिक कैविटी ऊपर वाले सेक्शन को सेपरेट करता है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपेंड एंड एयर इज इनहेल्ड। देखिए जैसे हमारी पिचकारी होती है, पिस्टन होती है, उसमें जब पिचकारी के पिस्टन को हम पीछे की ओर खींचते हैं उसमें हवा भर जाती है, सेम हमारा डायफ्राम वर्क करता है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन तो लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सहेल कर लेते हैं एयर को और वो भर जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंड हो जाते हैं और चेस्ट कैविटी फूल जाती है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन अप, जब डायफ्राम मूव्स अप होगा, जैसे पिचकारी के पिस्टन हम आगे की ओर पुश करते हैं, सेम वारी एयर को बाहर कंट्रैक्ट कर देते हैं और वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। मूव्स अप मूव्स डाउन। इनहेल्ड एयर कंसिस्ट ऑफ द 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। एक्सहेल्ड एयर कंसिस्ट 16.4% ऑक्सीजन, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ वाटर वेपर्स। अभी ऑक्सीजन कौन सी है, जो हमारी बॉडी में यूज नहीं हुई वो ऑक्सीजन वापस आ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोकिक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, थ्रोकिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, रिब्स लिफ्ट्स अपवर्ड, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, रिब्स इसमें बाहर आते हैं, इसमें डाउनवर्ड अंदर चले जाते हैं। रिब्स, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, डायफ्राम बिकम्स डोम इन शेप, डोम की तरह हो जाता है, फूल जाता है। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। आई होप आर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल फॉर फर्दर अपकमिंग नोटिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।